मेरी तबीयत ख़राब है रही है गाइस। मैंने एक तो वैसे तबीयत ख़राब है, ऐसे सलून आया तो मेरा दिल इतना कमज़ोर है, मैं इतनी परेशान हो जाती, मैं दर्द होने लग जाता सीना में, यहाँ पे छाती में बहुत तेज। रश्मि की सुनी है ना, रश्मि छोटी थी जब से, और मेरी तबीयत इतनी ख़राब होती जा रही है बहुत ज़्यादा, समझ में ना आता मेरा। मैंने ऐसा किसी के साथ ना करा, मुझे कोई ऐसी कोई बात बताता नहीं है, पर मैं देख लूँ ना, जाकर मैं देख लूँ ना, मुझे बहुत टेंशन हो जाती है, भगवान ऐसा क्यों करते हैं किसी के साथ। ज़्यादा होने लगा ना यहाँ पे सीना में बहुत तेज, किसी की सुन लूँ तो बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है गाइस मुझे। हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री राम, जय श्री श्याम, कैसे हो आप सभी? आइए, बहुत अच्छे होंगे। मैं बिल्कुल अच्छी नहीं हूँ, क्योंकि मैं खाना बना रही थी सुबह, रश्मि की वीडियो आई फ़ोन पर, मैंने फ़ोन चला रही थी, जैसे रश्मि की वीडियो आई कि रश्मि अब इस दुनिया में नहीं रही। रश्मि हम लोगों को, सब लोगों को छोड़ के दुनिया से जा चुकी है, ये बहुत बुरा हुआ। राधा दीदी के साथ, रश्मि के साथ, इतनी कम उम्र में भगवान इतनी जल्दी ले लेते हैं, पता नहीं क्या हुआ रश्मि के साथ। ये तो भगवान को पता है और रश्मि को पता है क्या हुआ और क्या नहीं, पर ऐसा करना नहीं चाहिए किसी के साथ। भगवान बहुत बुरा किया, राधा दीदी अकेली रह गई। मैं राधा दीदी की वीडियो, रश्मि राधा की वीडियो देखती रहती थी, डेली देखती थी कैसी तबीयत है रश्मि राधा की, तो तबीयत में कोई सुधार ही नहीं आ रहा, तो डॉक्टर कानपुर हॉस्पिटल में भर्ती थी, फिर उसके बाद डॉक्टर ने हाथ खड़े कर लिए, लखनऊ ले जा, लखनऊ उनके कब्जे से बाहर थी तो लखनऊ लेके गए, तो वहाँ भी नहीं कुछ हुआ बेचारी का, अब तो नहीं छोड़ के चली गई। तो एक वीडियो देखी थी रूबी दीदी की, तो उन्होंने कहा मनोना धाम ले जाओ, तो वो भी वहाँ पहुँची थी अरियारी रश्मि के गांव, तो वो लेके जा रहे थे, सुना है कि वो लेके जा रहे थे मनोना धाम कछला से आगे, कछला क्रॉस कर दिया था, कछला क्रॉस करते ही रश्मि ने दम तोड़ दिया वहाँ पर, बहुत बुरा हुआ। नहीं, शुरू से रश्मि और राधा की वीडियो देखती थी, राधा दीदी की, तो गैस हाथ जोड़ के विनती है राधा दीदी को सपोर्ट करो ज़्यादा से ज़्यादा, वो पूरी तरह से टूट चुकी है। देखो गलती तो इंसान से ही होती है, जानवरों से नहीं, पर सपोर्ट करो राधा दीदी को, उल्टे सीधे कमेंट मत किया करो, तो बुरा हुआ सब। यहाँ पर 15 अगस्त मना रहे हैं गणतंत्र दिवस, वहाँ पर इनके घर पर मातम छा हुआ है, कहीं खुशी कहीं गम। मैंने कई सॉन्ग में तो डांस कर चुकी है रश्मि, मैंने सारी वीडियो देखी थी रश्मि की, राधा दीदी के भी मैं पूरे ब्लॉग देखती थी, पता नहीं क्यों भगवान ऐसा कर दे, समझ में नहीं आता। इंसान सब तरह से टूटा होता है, एक भगवान पर भरोसा आता है, वो भी ख़त्म हो जाता है, पता नहीं क्यों ऐसा भगवान करते हैं। बस भगवान रश्मि की आत्मा को शांति दें, जहाँ भी हो रश्मि सही रहे, खुश रहे बस, और सपोर्ट करो राधा दीदी को ज़्यादा से ज़्यादा, कोई नहीं है राधा दीदी का, बस हम लोग ये ऑडियंस ही है राधा दीदी की, आप लोग अच्छा करो उनके साथ तो अच्छा होगा, बुरा करोगे तो बुरा होगा, बस आपके आप लोगों के हाथ में बस बेचारी, नहीं तो उसका मकान बनाना, कुछ झोंपड़ी में रहती है, पर सभी एक टेंशन ख़त्म नहीं हो बेचारी की, दूसरी की टेंशन तैयार हो जाती है, पता नहीं क्या किस्मत साथ नहीं दे रही, बहुत गलत हो रहा है। बस मैं तो कहती हूँ अब जो हो गया सो ठीक है, बस राधा दीदी अभी कुछ दिन पहले कैंसर की मरीज थी, वो कितना इलाज चलाया ग्वालियर कानपुर कहाँ, रश्मि साथ में थी, माँ को तो सही कर लिया, पर बेचारी खुद दुनिया छोड़ के चली गई, बहुत बुरा हुआ, समझ में ना आती क्यों भगवान ऐसा करते हैं, क्यों लेते देते हैं तो क्यों लेते हो इतनी जल्दी, ऐसा मत करो, इससे बढ़िया तो दो मत, दो तो किसी के मत, कहते हैं ना इंसान का, इंसान चला जाए ना तो इंसान का सब कुछ हो जाता है, मैं मगर एक जान नहीं निकलती, कर्म सारे हो जाते हैं। और राधा दीदी इतनी फड़फड़ा रही, इतनी फड़फड़ा रही, कभी रश्मि के ऊपर लेट जाए, कभी किस की है, इतने माँ तो माँ होती है, समझ में नहीं आता भगवान ऐसा क्यों करते हैं। पर सूरज ने रश्मि के साथ कुछ
सही नहीं किया, उसे देखने भी नहीं आया। तो मेरी बीवी एक बार आना चाहिए तुझे देखने के लिए, बीवी के लिए। तू पछताएगा तो ज़िंदगी में। इंसान को ठोकर लग के अकल आती है ना, अब पता चलेगा क्या चीज़ होती है बीवी। तो आपको पता है जैसे कि रश्मि हमारे बीच नहीं रही, रश्मि अरियारी दादा दीदी की बेटी आप लोग जानते हुए फेमस थी, शिवानी के यहाँ काम करती थी राधा दीदी, तो उन्होंने वीडियो डाला था तो वो फेमस हो गई। तो आप लोग, तो आप लोगों को पता ही होगा, जिस जिसको नहीं पता था मैं बताती हूँ। तो राधा दीदी अरियारी हैं, शिवानी के साथ काम करती थी, खाना पीना घर पर बनाती थी। उनके हस्बैंड नहीं थे, उनकी बेटी थी रश्मि। तो रश्मि की शादी उन्होंने कर दी, पहले कुछ केस वेस चलता रहा, लड़ाई झगड़ा, फिर उन्होंने भेज दिया, ऐसे ही राजीनामा हो गया तो भेज दिया। फिर कुछ दिन वो लोग सही से रहे, फिर पता नहीं क्या बात हो गई, ऐसी लड़ाई झगड़ा। ये तो भगवान ही मालिक है रश्मि को मारा क्या करा, ये तो सूरज को पता है, भगवान पता है और रश्मि को पता है। तो रश्मि की इतनी हालत ख़राब हो गई कि राधा दीदी कानपुर हॉस्पिटल में